ठीक है, एक्सेसिंग मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो तरीके होते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बाय डॉट ऑपरेटर, ठीक है, मेंबर और डॉट ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग डॉट लगाएंगे, दिख रहा है छोटा सा डॉट, ठीक है, डॉट से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड है यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा डैश लगाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है, तो एक एरो टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। एक छोटा सा डॉट लगा लो और एक्सेस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि P1 जो है एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है और ID जो है एक मेंबर है। हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, P1.ID, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, हैश इंक्लूड string.h हमने लिखा, ठीक है। हमने यहाँ पे string.h यूज किया, जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के लिए हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स लगाते हैं, ठीक है, याद आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। और उसके बाद एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया। इसके अंदर दो मेंबर हमने डिफाइन किया है, ठीक है। कौन कौन से दो मेंबर है, ID और नेम, ठीक है। नेम ऑफ साइज 50, ये किस टाइप का है, एरे है, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेरेशन के समय पे ही हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक है। किसका वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, ठीक है, किसका वेरिएबल है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, ठीक है, E1। अब यहाँ पे हम लोग मेन पे आ जाते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन पे आ गए हम लोग। और इसके बाद यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, हम लोग ने यहाँ पे पहले से इसका वेरिएबल बना चुका है, पहले से वेरिएबल बना लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कैसे एक्सेस करेंगे, E1.ID, ठीक है, E1.ID से इसको एक्सेस किए। उसके बाद इस आईडी को हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, इनिशियलाइज किया। और यहाँ पे 101 वैल्यू इस आईडी के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। 101 किसके अंदर डाल दिया, आईडी के अंदर। तो E1 के लिए आईडी इनिशियलाइज हो चुका है, आया समझ में, E1 के लिए आईडी इनिशियलाइज हो चुका है। वैसे ही हम लोग को नेम को इनिशियलाइज करना है। नेम को इनिशियलाइज हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज किया है, ठीक है, किसका यूज किया है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा E1.name कॉमा, और यहाँ पे हमने एक नेम दे दिया, सोनू जायसवाल, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है, हमने यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया है वो किस में कॉपी हो जाएगा, E1.name में कॉपी हो जाएगा। तो आईडी यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया, अब यहाँ पे क्या इनिशियलाइज हो गया, नेम इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। तो E1 में दो मेंबर थे, आईडी और नेम, दोनों इनिशियलाइज हो गए इनिशियलाइज। तो हमने यहाँ पे इसको एक्सेस कैसे किया, डॉट ऑपरेटर से। तो E1 के अंदर आईडी अवेलेबल है, E1 के अंदर नेम अवेलेबल है, तो दोनों को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के, ठीक है। डॉट जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो क्या है, ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। ये उसी प्रकार से काम करता है जैसा कोई भी एक फोल्डर होता है। मान के चलो E1 एक फोल्डर है, ठीक है, E1 क्या है, एक फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर सभी लोग जानते हैं ना, ठीक है, एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर दो फाइल है, एक फाइल है आईडी और दूसरी फाइल है नेम, ठीक है। हमको आईडी को एक्सेस करना है, तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, उस आईडी तक पहुंचना है हम लोगों, कैसे पहुंच पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, E1, ठीक है। इस E1 के अंदर में यहाँ पे मैं दो फाइल बनाता हूँ, ठीक है, दो फाइल में बना लेता हूँ, आईडी और नेम, ठीक है।
मुझे एक्सेस करना है इस आईडी को, कैसे एक्सेस करेंगे? अभी हम यहां पे कैसे एक्सेस करेंगे बताओ, तो यहां कहां डाउट लगाऊंगा? सबसे पहले हम लोग इस ईवन फोल्डर के अंदर जाएंगे, है ना, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से आईडी मिलेगा हम लोग को, अब आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पाथ क्या है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, स्लैश ईवन, ईवन के अंदर में ये आईडी है। अगर इस आईडी का मैं पाथ देखूं तो यहां पे देख सकते हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा, दिखा, ठीक है। तो ये इसका पाथ है, ठीक है। तो यहां पे जो बैक स्लैश लगा हुआ है वो उसका पाथ डिफाइन कर रहा है, मतलब सी ड्राइव के अंदर यूजर्स है, यूजर्स के अंदर धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र के अंदर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के अंदर ईवन फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो डेस्कटॉप का वो पाथ है, डेस्कटॉप के अंदर में हमने क्या किया है, एक ईवन फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स है, ऐसा मान के चलो कि ये ईवन एक स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर दो फाइल्स है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, दो उसके मेंबर हो गए। अगर इस मेंबर को एक्सेस करना है तो सबसे पहले इस ईवन के पास पहुंचना पड़ेगा, जब तक इस ईवन के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इस फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, आया समझ में? तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले ईवन के अंदर जाना पड़ेगा, ईवन के अंदर हम लोग को दो मेंबर मिलेंगे, आईडी और नेम, ठीक है, आईडी और नेम मिलेंगे, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रिंट एफ एम्प्लॉय वन आई डी परसेंट डी स्लैश एन, और कॉमा देखिए यहाँ पे कैसे एक्सेस किए, ईवन डॉट आई डी, ठीक है। जहां पे भी हम लोग को एक्सेस करने की बात होगी तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। फिर यहाँ प्रिंट एफ हम लोग ने लगाया एम्प्लॉय वन नेम परसेंट एस, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और इवन डॉट नेम हम लोग ने इसको प्रिंट कर दिया, तो आईडी और नेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, एम्प्लॉय वन आई डी 101, एम्प्लॉय वन नेम सोनू जायसवाल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है एम्प्लॉय, ठीक है, सेम वैसे ही हमने बनाया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक मेंबर आईडी ले लिया, नेम ले लिया, ठीक है, और साइज 50, फिर उसके बाद फ्लोट सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ई1 और ई2। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन में, ठीक है, मेन फंक्शन में आ गए। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ई1 को, ई1 डॉट आईडी इक्वल टू 101, ठीक है, ई1 के लिए आईडी इनिशियलाइज हो गया। सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी ई1 डॉट नेम, और हम लोग ने सोनू जायसवाल को ई1 डॉट नेम में असाइन कर दिया, तो नेम भी इनिशियलाइज हो गया। अब आती है बात सैलरी की, ठीक है, सैलरी भी यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लिए, कैसे किए, ई1 डॉट सैलरी, ठीक है, ये फर्स्ट एम्प्लॉय का हो गया। अब सेकंड एम्प्लॉय के पास आते हैं, ठीक है, ई2 डॉट आईडी इक्वल टू 102, ठीक है। फिर नेम को इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग कॉपी ई2 डॉट नेम इक्वल टू जेम्स बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ई2 डॉट सैलरी इक्वल टू इतना, ठीक है, 1,26,000, ठीक है, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट लिया है तो ये इस वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में वहां पे सिक्स डिजिट में वो डेसिमल प्लेसेस में नंबर दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, कैसे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ एम्प्लॉय वन आई डी परसेंट डी ईवन डॉट आई डी, एम्प्लॉय वन नेम ईवन डॉट नेम, एम्प्लॉय वन सैलरी ईवन डॉट सैलरी, तीनों को हम लोग एक्सेस कर लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एम्प्लॉय टू आई डी परसेंट डी ई2 डॉट आई डी, एम्प्लॉय टू नेम परसेंट एस, और यहाँ पे ई2 डॉट नेम, फिर वैसे परसेंट एफ ई2 डॉट सैलरी,
ठीक है, दोनों हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर चुके थे, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट अगर हम लोग इसका देखें तो आउटपुट में कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखेगा, एम्प्लॉय वन आई डी इक्वल टू 101, एम्प्लॉय वन नेम इक्वल टू सोनू जायसवाल, एम्प्लॉय वन सैलरी इक्वल टू 56,000। ठीक है, फ्लोट में तो यहाँ पे हम लोग को सिक्स डिजिट में डेसिमल प्लेसेस में 00 हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉय टू आई डी इक्वल टू 102, एम्प्लॉय टू नेम इक्वल टू जेम्स बॉन्ड, एम्प्लॉय टू सैलरी इक्वल टू 120,000.00000। ठीक है, समझ में आया। अगर मान के चलो हम लोग को यहाँ पे अगर पांच वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे,